गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप आई एम गोइंग टू टीच यू कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को टेक्निकली क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा, विटीकल्चर VITICULTURE। अंगूर की गिनती जो है सर्वश्रेष्ठ फलों के में की जाती है, जो भी भारत देश में पैदा किए जाते हैं इसमें, उसमें सर्वश्रेष्ठ फलों की में अंगूर की गिनती की जाती है। अंगूर की खेती निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। नंबर एक है शराब बनाने के लिए, अंगूर से वाइन बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, इसके लिए अंगूर की खेती की जाती है। तथा ताज़ा खाने के लिए, टेबल पर्पज के लिए और सुखाकर किशमिश बनाने के लिए, इन तीन उद्देश्यों से अंगूर की खेती की जाती है। नंबर एक है शराब बनाने के लिए, ताज़ा खाने के लिए तथा किशमिश बनाने के लिए। अंगूर कुल क्षेत्रफल के 82% भाग में शराब बनाने के लिए पैदा किया जाता है। जो विश्व में पूरा अंगूर पैदा किया जाता है उसका 82% क्षेत्र में जो अंगूर पर शराब बनाने के लिए, 18% में 9% ताज़ा खाने के लिए तथा 9% किशमिश बनाने के लिए पैदा किया जाता है। और हमारे देश में, जो भारत देश में, अफगानिस्तान से किशमिश का निर्यात किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो 80% अंगूर महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पैदा किया, 80% जो है भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पैदा किया जाता है। और अंगूर में जो चीनी की प्रतिशत मात्रा होती है वो 20% होती है। अगर हम खेती के बारे में देखें तो जो अंगूर के लिए जलवायु चाहनी चाहिए वो उपोष्ण जलवायु, सर्वोपल जलवायु क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जहाँ पे पाले का कम से कम प्रभाव हो। दक्षिणी भारत में खेती बहुत सफल है, यहाँ साल में दो फसलें ही जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रास्ट का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हमेशा मौसम गर्म जलवायु रहती है, तो इसलिए साल में दो बार अंगूर की फसल ली जाती है। सॉइल इसके लिए रंध्रयुक्त पोरस सॉइल चाहिए, जिसमें पोर स्पेस ज़्यादा हो, ढीली और अच्छे जल निकास वाली, शुड बी गुड ड्रेनेज और गहरी चाहिए। डीप सॉइल चाहिए, बलुई और भारी चिकनी भूमि अनुपयुक्त रहती है। सैंडी सॉइल और अनसुटेबल कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप। प्रवर्धन अगर प्रोपेगेशन देखें तो इसका जो प्रोपेगेशन है वो हार्ड वुड कटिंग के द्वारा, कठोर काष्ठी कलम द्वारा किया जाता है। बेले सुस्त होने पर छटाई के समय एक वर्षीय लकड़ी केन से कलम तैयार की जाती है। हार्ड वुड कटिंग द्वारा इसका प्रोपेगेशन करते हैं। और अगर हम रोपण देखें, प्लांटिंग, तो इसके लिए 75x100 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई के आकार के गड्ढे बना लिए जाते हैं। रोपण दूरी 3x3, 4x3, 5x3 या 6x3 मीटर की डिस्टेंस में इनको रो टू रो डिस्टेंस में प्लांटिंग करते हैं। जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकार, प्रशिक्षण प्रणाली, ट्रेनिंग सिस्टम के आधार पर इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस डिसाइड की जाती है। रोपण का समय जो है, प्लांटिंग समय इसमें जनवरी से जुलाई होता है, जनवरी से जुलाई तक में इसमें रोपण करते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे रोपण के तुरंत बाद प्रत्येक पौधे के आधार पर बांस की डंडी स्टेकिंग कर देनी चाहिए, जैसा कि उसको सहारा देना, स्टेक माने सहारा देना, जिससे उधर उधर मूव ना हो, और इस प्रकार से स्टेकिंग कर देनी चाहिए। 5 से 2 मीटर लंबी डंडी लगाकर पौधों को सहारा देते स्टेकिंग कर देनी चाहिए। अगर खाद और उर्वरक की बात करते हैं, मैनोर एंड फर्टिलाइजर की छटाई के बाद खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। खाद देने की गहराई बेल की उम्र के आधार पर, तने के आधार से 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जो बेल होती है उसकी, लता होती है उससे 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी और 45 से 60 सेंटीमीटर दूर दी जाती है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है 46:20:250 ग्राम पर बेल प्रथम वर्ष तथा 100 kg FYM देना चाहिए प्रथम वर्ष, और द्वितीय वर्ष में 460:480:500 ग्राम NPK पर बेल तथा 200 kg FYM देना चाहिए। 3 वर्ष पश्चात अगर हम देखें तो NPK 750:640:1000 ग्राम पर बेल तथा 300 किलोग्राम गोबर की खाद देना चाहिए। फरवरी के मध्य के बाद
जब वायुमंडलीय तापमान बढ़ना शुरू होता है तो विश्राम अवधि खत्म हो जाती है और कली फूटने लगती है। तो इसके बाद खाद तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें और शेष आधी नाइट्रोजन जो बच जाती है वो 21 दिनों के बाद दी जाती है। सिंचाई, खाद देने के बाद इन्हें तुरंत सिंचाई देना चाहिए। अंगूर को जब हम खाद देते हैं उसके तुरंत अल्टीमेटली इरीगेशन सुपीडन आफ्टर मैन्योरिंग और फिर 5 से 7 दिनों के बाद इसमें अंतराल पे सिंचाई करते रहते हैं। जब बेरी मटर के आकार के हो जाए उसके पश्चात 10 दिन के अंतर पे सिंचाई करते हैं, जब तक कि फल मैच्योर नहीं हो जाते हैं, रिपनिंग नहीं होती है अंगूर की, तब तक 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई हमें करना चाहिए। अंतर क्रियाएँ, अगर इंटरकल्चरल ऑपरेशन की बात करें तो फ्री फ्रॉम वीड, अंगूर के जो फील्ड है या खेत है उसको खरपात और जो है मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल करेंगे फार न्यूट्रिशन और वाटर के लिए, तो हमें खरपतवार में मुक्त रहना चाहिए, रखना चाहिए। बिल्कुल मल्चिंग शुड बी डन 3 सेंटीमीटर बाई 5 इंच। अगर धान के भूसे से उसकी मल्चिंग कर दिया जाए, ऊपर बिछा दिया जाए, निश्चित रूप से पानी का हास कम होगा, तो मल्चिंग बहुत अच्छा रहता है इसमें करना। नेक्स्ट, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो बेल के भाग को, इसके लिए ट्रेनिंग में सबसे प्रथम देना चाहिए बेल के कौन कौन से भाग होते हैं जो लता के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो अंकुर, स्प्राउट, वर्तमान मौसम की जो नई वृद्ध होती है उसे हम अंकुर या स्प्राउट कहते हैं। केन, पिछले मौसम का जो पका हुआ अंकुर होता है, शाखा होती है, उसे हम केन कहते हैं। और लेटरल या पार्स, एक टहनी या कैन की पार्स शाखा जो होती है उसे हम पार्स कहते हैं। इस पर छटाई के बाद केन का जो आधारी भाग रहता है, जब केन ये रहते हैं, सपोज कहीं ये केन रहती है, छाट गया तो जो बेसल है, बेसल पोर्शन हो चुका, जो भी टहनी रहती है उसका आधा भाग निकाल दिया जाता है, जो बेसल पोर्शन निकाल दिया कहलाता है, नीचे वाला भाग बेसल पोर्शन कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, छटाई के बाद केन का जो आधारी भाग या बेसल पोर्शन होता है, इसे हम इस पर कहते हैं। और फ्रूट इस पर, फल देने के लिए तैयार किया गया जो इस पर रहता है, ब्रांच रहती है फल देने के लिए तैयार की जाती है, उसे हम फ्रूट इस पर कहते हैं। तो ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए तो आपको ट्रेनिंग करने में आराम रहेगा। इसी प्रकार तना जो होता है पौधे का मुख्य तना, तना कहलाता है टंग। अब सधाई की विधियाँ अगर हम देखें तो हेड सिस्टम सधाई की विधियों में प्रमुख रूप से है निफिन प्रणाली, अलगोर या परगोला या ब्लोअर सिस्टम होता है, एंड ओवर हेड टेलिस या टेलीफोन सिस्टम। बोअर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया बिकॉज इट हैज हाई इकोनॉमिक रेशियो। इसमें जो इकोनॉमिक रेशियो अर्थशास्त्र दृष्टि से ये सबसे बढ़िया बेस्ट सिस्टम है बोअर सिस्टम ट्रेनिंग का, एंड हाई इकोनॉमिक कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट बेनिफिट रेशियो उसका 1:2.09 है, 9 है। और अगर हम सटाई की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, चूँकि यहाँ पे सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पाले का डर रहता है, तो यहाँ पे केवल एक बार छटाई की जाती है, वंस इन विंटर सीजन इन जनवरी। और अगर साउथ इंडिया में देखें, चूँकि ग्रोथ हमेशा रहती है लॉन्ग ईयर, तो यहाँ 2 बार प्रूनिंग की जाती है ग्रेप में। पहली प्रूनिंग होती है अप्रैल में, जिसे हम बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं, तथा दूसरी प्रूनिंग छटाई होती है अंगूर में अक्टूबर में, जिसे फ्रूट और फॉरवर्ड प्रूनिंग की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है तुलाई या हार्वेस्टिंग। नॉन क्लाइमेटिक फल होने के कारण, ऐसे फल जो पेड़ पे पक जाते हैं उन्हें नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं, और ना क्योंकि अंगूर जो नॉन क्लाइमेटिक फल होने के कारण अंगूर को बेल पर ही पूरी तरह से पकने के बाद ही तुड़ाई की जाती है। जब ये बेल पे पक जाता है पेड़ पे, तभी इसकी तुड़ाई की जाती है, क्योंकि ये तोड़ने के बाद नहीं पकता, तो इसलिए इसको बेल पे पक जाने के बाद तुड़ाई की जाती है। और उसकी उपज लगभग 6 से 10 टन प्रति हेक्टेयर होती है। अंगूर की प्रजातियों की बात करें तो जो टेबल पर्पज खाने योग्य के लिए उगाई जाती है, उसमें ब्यूटी सीडलेस, अनाबे शाही एंड थॉम्पसन सीडलेस। और जो शराब बनाने के लिए इसमें उगाई जाती है, उसमें हल्का श्याम, हल्का कंचन, ब्यूटी सीडलेस प्रमुख है। और रेजिन वेराइटी जो किशमिश बनाने के लिए प्रजातियाँ लगाई जाती है, उसमें सुल्ताना, थॉम्पसन सीडलेस, मुनक्का, रेड कोरेथ आदि प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं।
फंक्शन सीडलेस ऐसी वैरायटी है जो करीब 55% एरिया पे ग्रो की जाती है। पूरे जितनी भी वैरायटी है उनमें 55% एरिया जो है वो थॉमसन सीडलेस ऑक्यूपाई करती है इन द ग्रेप कल्टीवेशन। देर आर सम बेसिक फैक्ट्स विच शुड बी यू नो अबाउट ग्रेप्स सच एज अक्टूबर इज द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग, जो लगाने का या रोपण का समय है ग्रेप का वो अक्टूबर है। GA3 यूज फॉर इंक्रीजिंग बेरी साइज, अगर जिब्रेलिक जो होता है वो अंगूर के आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह CN हाइड्रोजन साइनामाइड इज यूज्ड एज इन ब्रेक बड ब्रेक एट विंटर प्रूनिंग, जब विंटर प्रूनिंग की जाती है तो 32-70 अवस्था को तोड़ने के लिए यह CN का प्रयोग किया जाता है। और यानी नेथलीन स्टिक एसिड यूज टू पोस्ट हार्वेस्ट प्रिवेंट फूड ड्रॉप, फल गिरने से बचाने के लिए नेथलीन स्टिक एसिड 50 ppm का यूज किया जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट, अगर फल का प्रकार देखें तो बेरी है, क्योंकि हम बहुत जो बेरी होती है फल होता है अंगूर के बहुत छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं जिसे हम बेरी कहते हैं। और इसका पुष्पक्रम जो होता है पैंकिल या साइमोस होता है। और अगर हम इस बुट पार्ट की करें तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा इसमें खाया जाता है। बहुत अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द इनपुट पार्ट ऑफ ग्रेप, तो पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा मोस्ट ऑफ द वैरायटीज आर सेल्फ पोलिनेटेड, अंगूर में ज़्यादातर प्रजातियाँ जो में स्वयं परागण होता है और क्लेस्ट्रोगैमी होता है, बंद पुष्प में परागण होता है तो इसे हम क्लेस्ट्रोगैमी कहते हैं, इसमें होता है। मैक्सिमम प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, अगर अंगूर के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जो होता है वो इटली देश में होता है, इटली में होता है। एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इसमें जो है वो अंगूर की 22 टन हमारे इंडिया में है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप इन द वर्ल्ड इन इंडिया विच इज 92 टन पर हेक्टेयर एंड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। रूट स्टॉक, अगर हम मूलवंत की बात करें तो डोगरी यूज रूट स्टॉक यूज होता है जो नेमेटोड रेसिस्टेंट है तथा टेंपिल रेसिस्टेंट टू अदर डिजीजेज। थैंक यू वेरी मच, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।